बाबू जी एक मिनट जरा सर स्पीड स्लो कीजिएगा, यहाँ पे बाबूजी एक बच्चा जा रहा है, ये देखिए एक मिनट एक मिनट, ये क्या कर रहे हो बच्चा? आलू चने बेच रहे हैं। ये बेच रहे हो जी? वाह भाई वाह, थोड़े से बचाए हुए हैं जी, बेच लिए बाकी जी? अच्छा कितने के दोगे? 5 रुपए के, 10 रुपए। बेटा नाम क्या है आपका? असदुल्ला। असदुल्ला, अच्छा कितने साल के हो? मैं 12 साल। 12 साल के, ये पढ़ते हो जी? अच्छा। सुबह पढ़ाई करता हूँ, शाम को ये बेचता हूँ। शाम को ये बेचते क्यों? वो वाले साहब की टांग कटी हुई है, 10 साल हो गया और मम्मा का ऑपरेशन हुआ हुआ। ओए होए, अच्छा आपके साथ के बच्चे क्या करते हैं इस वक्त? वो खेल रहे होते हैं। वो खेल रहे होते हैं, ये चने बेच रहा होता है, क्या करे। कब से, कितने आरसे से बेच रहे हो? मुझे काफी देर हो गया, तकरीबन मतलब के कितना, महीना दो महीने या साल? डेढ़ साल हो रहा। साल, अच्छा तो कौन बना के देता है? मम्मा पहले बना के देते, अब मैं खुद बनाता हूँ। खुद? इतने अच्छे चने, मैं तो आज सारे ले लूंगी। सारे ले लूं? ले ले। अच्छा क्या फायदा होगा आपको सारे ले लूं तो? वो घर का खाना बन जाएगा शाम को। कितने के दे दोगे सारे? 300 के ले ले। 300 के ले लूं? रेट सही लगा है, इतने से तो ये सब सारे बच्चे हुए हैं। अच्छा अगर मैं ये आज ले लूं तो फिर आप क्या करोगे? फिर मैं खुद नहीं घर जाऊंगा, सब्जी लेके आऊंगा, खाना बनाऊंगा। खाना भी आप बनाओगे? वो क्यों? वो मम्मा का ऑपरेशन हुआ ना। किस चीज का? पित्ते का। ओए होए, मम्मा का पित्ते का ऑपरेशन हुआ पड़ा है। तो मम्मा का ऑपरेशन हुआ है तो अबू तो काम करते होंगे ना? नहीं, उनकी टांग कटी हुई है ना शुगर की वजह से, दूसरे पांव पे भी जख्म है। ओए होए। तो फिर बड़ा भाई? बड़ा भाई नहीं है, मैं और एक मेरा छोटा भाई है। बहन नहीं है? ओए होए अबू जी, इसके सर पे जिम्मेदारी आ गई है ना, इसीलिए तो बेचारा परेशान भी है, बेच भी रहा है, मेहनत भी अपनी कर रहा है, ये तो नहीं है। तो फिर आपने ये कैसे सोचा कि मैं ये बेच लूं, चने बेच लूं? कुछ नहीं, वैसे ही घर बैठा तो ख्याल आया, फिर मैंने कहा भाई ये बेच लूं, शायद कुछ पैसे बन जाए। मम्मा परेशान ना हो, मैं कर लूंगा कुछ, और फिर इसलिए मैंने ये कर लिया। शाम को, सुबह को पढ़ता हूँ, शाम को ये काम। कौन सी क्लास में? 8। माशाल्लाह 8 में पढ़े हो कि क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर बन के क्या करोगे? लोगों की मदद करो। अच्छा कैसे लोगों की मदद करोगे? उनका फ्री इलाज करके फ्री दवाइयां दे। फ्री में जी? आपको क्या बचेगा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, सवाब होगा। माशाल्लाह कुछ भी नहीं, सवाब होगा और क्या। लगातार माशाल्लाह ये बच्चा बोलता है और इतनी अच्छी बातें करता है। आप कुरान पाक भी पढ़ते हो? जी मैंने 2 दफा खत्म कर लिया। 3? अच्छा किसी अच्छे कारी साहब के पास पढ़ रहे हो? जी 1 दफा कारी साहब के पास पढ़ा, 2 दफा पुप्पो के पास भी पढ़ा। आपकी इतनी अच्छी तरबियत कौन करता है? इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको कौन सिखाता है? मम्मा और पापा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं दूसरों की मदद करो, बड़ों की इज्जत करो और छोटों से प्यार करो। ये सब कुछ सिखाते हैं जी? वो ये नहीं कहते कि कभी किसी से पैसे ना हो तो मांग लेना? नहीं, ये कभी। फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कभी किसी से पैसे नहीं लेने, ना किसी से चीज लेनी है। कभी किसी से पैसे नहीं लेने, ना ही किसी से चीज लेनी है। किसी से जो मर्जी हो जाए, कभी किसी से कोई चीज नहीं लेनी, जो अच्छा? मर्जी हो जाए। क्यों? वैसे ही मतलब कि क्या कहते हैं आप, क्या करना? चीज लेना ना लेना तो क्या करना? चीज ना लेना, अपनी मेहनत करना खुद। ओ चीज ना लेना अपनी। मैं अबू जी क्लोज व्यू दिखाइए, माशाल्लाह कितना क्यूट सा बच्चा है, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे, अल्लाह ताला इनकी वालदैन की तरबियत को सलाम है। कितने अच्छे इसके पेरेंट्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत किया, पता नहीं घर के हालात कैसे होंगे इनके। बेटा अगर आपको बुरा ना लगे तो आपके घर में चलूं? आप सच बोल रहे हो? मतलब मैं नहीं, बस ये देख लें। आ जाए देख लें। पक्की बात है जी? देख लें। अच्छा बेटा मुझे 20 रुपए के चने तो दो जी। चने तो बहुत मजे के बना लिए हैं, सीख गए हो अब जी? इसमें क्या क्या मसाले डालते हो? इसमें मैं चने डालता हूँ, आलू और चाट मसाला, नींबू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। ओ तेरी खैर, इतना कुछ जी? तो फिर ये आपको महंगा नहीं पड़ता होगा? नहीं कुछ बच जाता है कितना? जी कुछ ना कुछ तो बच जाता है शाम को। अच्छा चलो ना होने से तो बेहतर है ना, कुछ बच जाता है। बच जाता है। सही सही। नींबू भी डालोगे जी? चलो जी, पैक क्यों करके क्यों दिया है?
वो भी कुछ चीज ना ऊपर डल जाए, मट्टी 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 ना डल जाए। ये मेरा भाई है, मैं तुमको अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ। अच्छा अंदर जी आ जाओ। वो देखो वो मेरी मम्मा बैठी हैं, वो मेरे पापा हैं। अच्छा उनकी टांग कटी हुई है, वो उनका ऑपरेशन हुआ है। मैंने झूठ बोला देखा। हां कह रहे मैंने झूठ बोला देखा, मेरे पापा की टांग कटी है, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, वो भी नहीं चल सकती है, मेरे अबू जी भी का भी मसला है। तो आइए देखते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है बाजी? ठीक है। ये क्या हो गया आपको भाई जान? मुझे शुगर थी, इसकी वजह से मेरी टांग कट गई है। अच्छा, कितने अरसा हो गया इसको? तकरीबन 10 साल हो गया। 8-10 साल हो गया। 8-10 साल। और आपका क्या मसला है? पित्ते का मसला है, मेरे ना तो फोलियों को मसला है, पित्ते का ऑपरेशन कराया है, मुझे फोलिया का करवाना है। चल फिर नहीं सकते, बस दो बच्चे ऐसी अभी चल फिर भी नहीं सकते। अच्छा, ये तकलीफ बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो ये एक बच्चा चने बेचने जाता है, इससे कैसे गुजारा होता है? कोई और बहन भाई भी नहीं साथ देते। सही सही। तो भाई जाना, आपके आप पहले क्या काम करते थे अपनी, यानी कि रख दो आप रख दो। जॉब करता था प्राइवेट फैक्ट्री में। अच्छा माशाल्लाह, फैक्ट्री में आप जॉब करते थे। तो फिर ये हालात हुए, तो आपने माशाल्लाह बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की है। माशाल्लाह इसने हमसे आज बहुत अच्छी अच्छी बातें की, ऐसी बातें की कि हम मजबूर हो गए कि इसको घर लेकर आए। देखा कि इनके हालात कैसे हैं, वाकई इनके हालात तो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो यहाँ आपको क्या क्या मुश्किल होती है भाईजान? तकरीबन हर किस्म बच्चों की तबीयत की मुश्किल है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो काम पे जाते हैं। और इसके अलावा घर का जो खर्चा है वो भी बहुत गुजारा मुश्किल में है। सही। जी जी, टांग तो कटी हुई है और दूसरा जो मेरा पांव है उससे भी जख्म हुआ पड़ा है। ये देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। बस ये अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला। दूसरे पांव पे भी जख्म हुआ हुआ है, वो भी खराब हो रहा है। अच्छा, इस पे भी जख्म? तो इसका आप फौरी फौरी पहले पहले ट्रीटमेंट करा लेना, इससे पहले के ज्यादा बिगड़ जाए। मैम तकरीबन इसका जो डॉक्टर इंजेक्शन बताते हैं 450 रुपए का एक इंजेक्शन है, 100 रुपए की गोली है, 500-700 रुपए का डेली का खर्चा है, वो अफोर्ड करना एक चने चार से बहुत मुश्किल है। बच्चे के एक चने चार से डेली का मुझ पे वो लगा दे तो क्या होगा, वो बहुत हमारे लिए मुश्किल है अफोर्ड करना। कुछ ऐसा हो कि घर की इनकम डबल हो जाए तो फिर ये है कि इनके हालात बेहतर हो सकते हैं। वो आपकी बैठक थी? अच्छा, बैठक थी आपकी, अभी वो खाली पड़ी हुई है। तो ऐसा क्या हो सकता है भाई जान के आपकी लाइफ में? चलो ये है कि हम तो शायद रोज रोज ना आ सके। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा काम हो अगर मैं ना कर सकूँ, मेरी मिसेज भी जाके बैठ जाए, यानी कि इनको एक्सपीरियंस है ज्वेलरी वगैरह का। अच्छा, चूड़ियाँ वगैरह, ज्वेलरी वगैरह इनका, और जो मनियारी का सामान होता है। अच्छा अच्छा, उसका उसका एक्सपीरियंस है, हालात खराब होने की वजह से वो काम जो हम पहले करते थे घर में। अच्छा अच्छा, तो वो खत्म हो गया। सही सही, जैसे वो चूड़ियाँ पोनिया कहते हैं वो। जी जी जी, जी। अच्छा, किराने की दुकान भी, दो फरमाइशें तो करनी पड़ेगी अब जी। बच्चे ने जो फरमाइश की वो तो करेंगे ही करेंगे, करेंगे दो सेट। तो माशाल्लाह भाईजान के फेस पे मुस्कुराहट आई है, तो हमें तो यही छोटी छोटी मुस्कुराहटें ही चाहिए अबू जी। कोशिश करते हैं इनको दोनों से, फर्स्ट टाइम हम लोग लाइफ में हम भी ऐसा करेंगे कि किसी को दो सेटअप साथ में करा के दे। और चलो ये है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। ये मेरा बच्चा बहुत लायक है, माशाल्लाह बहुत लायक है और बहुत ईमानदार है, बहुत नेक है, अल्लाह ताला इसकी जिंदगी रखे। और ये 8वीं क्लास में पढ़ रहा है। ये मेरा छोटा बेटा है, ये 4थी जमात में पढ़ रहा है। सही। और दो मेरे बच्चे हैं। बस तो यही दो बेटे चाहता हूँ कि इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, ये अच्छी तालीम हासिल कर लें। और अच्छा, मेरी जिंदगी का क्या पता है, अल्लाह ताला भाईजान को सेहत दे, जिंदगी दे, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, इनका कोई कारोबार सेट हो जाए थोड़ा बहुत, ये अपना रोजगार अपनी वालदा को संभाल लें।
अल्लाह ये आपको भी संभालेंगे इंशाल्लाह, आप भी इनके सर पे सलामत रहेंगे, इनके बच्चे भी आप इंशाल्लाह देखेंगे, अपने पोतों पोतियों को भी इंशाल्लाह खिलाएंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, तो इंशाल्लाह अबू जी इनके लिए कुछ बेहतर करते। तो अबू जी माशाल्लाह ये देखिए बहुत सारा सामान आ गया है मोटू के लिए आज जो हम लोग खोलने जा रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि ये देखिए इनके पास स्टोर भी है, गैराज भी मौजूद था जो कि शॉप भी पहले बनाने की शायद इन्होंने कोशिश की लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया। आइए आपको दिखाते हैं इसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी का ऐसा मसला है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं और बेचारी चल भी नहीं पाती है, इतना ज्यादा इनके साथ इशू है। ये देखिए अबू जी ये पीछे इनका घर है और घर में सिर्फ एक साइकिल मौजूद है, नलका है, बाकी घर तो है को जब ठीक थे भाई जान तब तो मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मैं कुछ कर सकूं लेकिन अल्लाह ने जो नसीब में लिखा था। तो आइए इनके लिए कुछ ऐसा करते हैं कि इनकी डेली की इनकम स्टार्ट हो सके। है मेरा भाई, इसका भी चैनल है टूर एंड ट्रैवल के नाम से, मेरे इसी चैनल की कम्युनिटी में से आपको मिलेगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, मेहनत करता है। तो अब ये सारा सामान रखवाएगा अंदर। तो भाई जान बैठे हुए हैं और क्योंकि वो काम कर नहीं सकते हैं, नहीं तो दिल तो उनका भी करता है कि वो सपोर्ट कराए लेकिन वो नहीं कर सकते ना, मजबूरी है, क्या करें। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीरान दुकान को, थोड़ा सा दुकान का नक्शा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ जी खुश हो? बहुत खुश है माशाल्लाह। शुरू से चाहता था कि मेरे अम्मी अबू की कुछ हेल्प हो जाए। आपके हाँ जी, लेकिन अलवसीला तो अल्लाह ताला ने बनाया ना, देखो अल्लाह ताला ने पता है क्यों वसीला बनाया, क्योंकि आप मेहनती हो, ठीक है ना, क्योंकि आप हाथ पे हाथ रख के नहीं, आप पढ़ भी रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, लाइक भी हो, इसलिए अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है। आगे भी आपने पढ़ाई भी स्टार्ट रखनी है, ठीक है, हाँ जी घर में बैठे रहेंगे, अम्मी अबू भी दिन में सेल कर सकेंगे। चलो मैं फेंकूंगी नीचे सारा। ये सारा सामान, बहुत सारा सामान है, ये सारा अभी हमने सेट करते हैं। चलें अबू जी माशाल्लाह हमारे किरयाने की दुकान का नक्शा नजर आने लग गया है। अभी मोटू से पूछते हैं कि ये क्या क्या लगा हुआ है, बताओ भाई। अचार है, शैम्पू है, कल भी है, ये भी शैम्पू है, ये भी शैम्पू है, ये सरफ है, हाँ, ये हल्दी है, ये इलायची, ये अचार, ये पत्तियां, ये नीमको, ये सरफ, अच्छा ये सरफ, हाँ जी, और ये पत्तियां, अच्छा ये छोड़ो, और ये वो सारी नीमको हैं, आगे भी पत्ती वगैरह हैं, और ये सारे क्या हैं? ये टॉफियां, ये एक एक टॉफी, ये कितनी कितनी टॉफियां हैं? हाँ जी ये पूरा बिल्कुल कंप्लीट जैसे न्यू डिब्बा होता है वो अभी हम लोगों ने मिल के बनाए हैं, ये डिब्बे मौजूद हैं। ये आगे कुछ हम लोगों ने रखा है सामान, जम्स वगैरह, रसीलियाँ वगैरह, आगे से आपको भी जब एंड में दिखाएंगे व्यू तो वो सारे डिब्बे लगाए हैं। ये तराजू आ गया है इनके लिए, ये नमक है, यहाँ पे दिखाते हैं कि इस साइड पे क्या है। तो ये है बेकरी का सामान, ये कौन सा सामान होता है? ये बेकरी है, हाँ जी, और ये क्या है? ये हाँ जी ये थोड़े से पापड़ हैं, और इसके अलावा ये बिस्किट वगैरह हैं, और यहाँ वहाँ पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं, कोकोमो है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये बूंदी है, जो बूंदी जिससे दही भले बनाए जाते हैं, ये चीनी है, और ये गुड़ है, और चीनी वाले मेरे हाथ हो गए थे, ये चावल हैं, और उसके अलावा ये कुछ दालों के पैकेट हैं। तो काम कराते होते हैं हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता होता है, लेकिन आज ख़त्म नहीं होगा क्योंकि आज इसी शॉप के अंदर डबल सरप्राइज़ है हमारे बेटे के लिए, क्योंकि ये मेहनत करता है और इसकी और अम्मी और अब्बू दोनों को बहुत ज़्यादा मसला है, तो क्यों ताकि वो घर बैठ के थोड़ी अच्छी इनकम उनकी हो सके। तो आइए आपको दिखाते हैं कि दूसरा सेटअप इनके लिए क्या है। ओ, आज बच्चे को दिखा, उठाओ भाई, खोल ले, हाँ जी ले आओ अंदर, तो ले आओ सारा सामान ले आओ ना, ये खोल कर सेट करके दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद। ये अबू जी एक ऐसी चीज है कि जिसको लोगों ने भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और इसमें प्रॉफिट भी काफी ज्यादा है, मतलब 100% प्रॉफिट है। तो और ये है कि ये गली मोहल्लों में आसानी से बिक भी सेल भी हो जाते हैं, जिनको पहले हमने लगवा कर दिए उन्होंने ऐसे मिनटों में चुटकियों में सेल किए, इसलिए हम सोचते होते हैं कि ये काम साथ में कराएं। आइए ये सारा सामान अभी खोलते हैं, नीचे कोई नहीं है तो ये नहीं टूटने वाला। ये तब जी हम लोगों ने एक और भी काम स्टार्ट कराया है, क्योंकि इनकी ये जो बहन है, इनकी वालदा है, वो भी नहीं उठ के ज्यादा चल पाती है, अब्बू जी भी, ताकि दोनों साथ में बैठे भी रहें
और उनकी कुछ ना कुछ, ये देखिए ये सारे डिब्बे हैं, इन पे रेट्स भी लिखे हुए हैं। ये सारे डिब्बों के किसी में 5-5 डिब्बे हैं, किसी में 6-6 डिब्बे हैं। जैसे ये इसमें एक दर्जन है और ये 50 का एक होता है। ये ज़्यादातर वॉशरूम में भी इस्तेमाल होते हैं और ये खाने पीने में जैसे सब्जी वगैरह वो चीज़ें मसाले वगैरह डालते हैं। उसके अलावा अब ये अगर इधर से दिखाएं तो ये चाबियाँ हैं और ये 3-3 चाबियाँ हैं, ये 4 पैकेट हैं, ये मंधानियाँ हैं, ये चाय चलने वाली छलनियाँ हैं, ये अजार बंद जिससे डालते हैं ये वो वाले हैं, और ये बारीक कंघियाँ हैं जिससे जुएँ निकालती उस निकाली जाती हैं, ये उनके पैकेट हैं सारे, और ये एक एक के अंदर 6-6 मौजूद हैं। और ये प्लास्टिक की जो होती हैं, ये प्लेटें हैं बड़ी भी हैं ऐसी, ये सारे सांचे हैं किस चीज़ के जिसमें बर्फ बनाते हैं हम, और ये 12 छलनियाँ हैं जिसके अंदर वो जब आटे में कीड़ा पड़ जाए वो छल आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें सारी जाती हैं। ये भी जैसे वो प्लेटें थी ऐसी ये भी प्लेटें हैं, और ये भी प्लेटें हैं, ये दर्जन दर्जन प्लेटें हैं ये भी सारी, और ये छोटी प्लेटें हैं। और इसके अलावा ये दिखाते हैं, ये कितनी प्यारी कंघियाँ हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी अच्छी कंघियाँ हैं। और ये चाय छलने वाली छलनियाँ पहले भी आई हैं, दोबारा भी आ जाएंगी, वो रेड कलर की थी, ये कलरफुल है। और ये टूटियाँ हैं 100 की एक है। और उसके अलावा ये हैं मसाले जार, जिसमें मसाले जार, ये वाइपर है जो वो साफ करके जिससे डस्ट उठाते होते हैं, एक दर्जन ये है। उसके अलावा ये छुरियाँ हैं, ये देखें ये छुरियाँ हैं, और इन 140 की एक है। ये वाइट कलर की टूटियाँ हैं कूलर पे लगाने वाली, ये कलरफुल टूटियाँ हैं। और उसके अलावा ये साबुनदानियाँ हैं, अच्छा ये मोबाइल रखने वाली हैं, सांचे जैसे पीछे चिपका दे, ये साबुनदानियाँ हैं, ये मसाले वाले जार हैं, ये पवे हैं जिसे, और ये सूपियाँ हैं जिससे बर्तन धो जाते हैं, वो एक दर्जन लोटे हैं। ये सारे जग हैं, ये कलरफुल सारे जग हैं माशाल्लाह। और ये सारा सेटअप बन चुका है बाजी के लिए, तो शुरू हो चुकी है, उसने तकरीबन 100 रुपए की सेल कर ली है माशाल्लाह। चलो भाई, तो आप खुश हो? जी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि अम्मी अबू की जो दवाइयाँ हैं वो भी ले हो जाएंगी, और यहीं बैठ कर सब कुछ कर भी लेंगे। मैं सुबह को पढ़ने चला जाया करूँगा, ये यहाँ बैठ जाएंगे। अपने अम्मी अबू का माशाल्लाह सहारा भी बनेगा, पढ़ने भी जाएगा। आप भी पढ़ोगे? इधर आओ जरा, इधर आओ। ये भी आपका साथ देता होता है? जी हाँ जी, ये भी साथ देता होता है। इनकी उम्र में भाई तेरे कितना कितना फर्क है? 3 साल का। हाँ जी, लेकिन माशाल्लाह एक जैसे हो गए हैं। आइए अबू जी बाहर से जरा व्यू दिखाते हैं इनकी शॉप का। तो अबू जी मैं अभी कपड़े देने लगी हूँ, आप उधर से अंदर आ जाए जरा। बाजी आप थोड़ा सा चल के आएंगी, क्योंकि आगे ना वो बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, चलने का भी बाजी के लिए बहुत ज्यादा मसला है। बाजी ये आपके लिए माशाल्लाह सूट है, और इसमें बच्चों के और आपके कपड़े सारे मौजूद हैं, ये भी। तो भाईजान अब आप खुश हैं, मुतमईन हैं? मैं बहुत खुश हूं, मुतमईन हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत अच्छी कोशिश है, इसका आपको लंबा अजर देगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला कर सकते हैं, और हमें चाहिए भी भाईजान, दुआएं ही चाहिए सिर्फ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। पकड़ लें, आपकी मिनी पकड़ सकती। तो आप हमें दुआएं ही चाहिए, अल्लाह ताला आपको इन बच्चों के सर पे सलामत रखे, आपके घर में ऐसे ही रौनके रहें जैसे कि आज हैं। हमारी भी ये दुआ है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि खुशी गमी के मौके पर इनके पास आते रहें, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनका एक कमाने वाला नहीं होता, तो फिर भी कुछ ना कुछ होता है, कोई सहारा होता है। लेकिन इस घर में ऐसा मसला था कि बाजी की कंडीशन भी हमसे देखी नहीं गई, और भाईजान के भी, और इनके बेटे हैं जिन्होंने अभी जिंदगी गुजारनी है, उनको एक ऐसी सपोर्ट की जरूरत थी ताकि उनकी स्टडी भी जारी रह सके और अपने वालदैन को सपोर्ट भी कर सके वो भी। और इसने तो माशाल्लाह बनना भी डॉक्टर है, अब देखते हैं ये डॉक्टर बनोगे कैसे, ये तो बताओ। पढ़ाई करके गुड, तो शॉप भी चलाएगा, पढ़ाई करके डॉक्टर भी बनेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, दुआ में अल्लाह हाफिज कर दो। और आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे नाजिया मलिक और उनके बच्चों को, अल्लाह ताला उनके बच्चों को सालिहा बनाए, नेक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन, और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और उनका दिया गया ये सदका जारिया कबूल फरमा ले,
और उन सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।